So, a very good morning to all my dear students. Thank you so much for coming on time. So, today's lecture we are finishing with this answer. The name of the topic is functional areas of business. Okay, ये answer जो है we'll have to finish it today. Fine. So, इसमें yes, जो four minor areas है that is what we are doing today. Fine. Okay, so just look at your PPT students. We are starting with research and development, this area first. Okay, so see students, by the name I have already understood research and development. I am telling you what exactly is the function of this department. See, you answer me a simple question first. पहले मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ, is growth important for a business, yes or no? सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इज ग्रोथ इम्पॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस, येस और नो? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स. थैंक यू सो मच. अभी नाम लेने पड़ेंगे मुझे सिंस स्टूडेंट्स आर आंसरिंग. इतने शाम, ओके. सूरज, भाग्यश्री, साधना, निकिता, अर्चना, पार्वती, रोहन, संस्कृति, प्रणव, साक्षी, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, यू ऑल आर राइट. एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा जरूरी है. सी स्टूडेंट साइली, वेरी गुड. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू, आई डोंट नो आप लोगों को अगर वो याद है कि नहीं, वेन मोबाइल फोन्स जब आए थे इन द वर्ल्ड, आपको पता ही होगा पहले मोबाइल फोन्स कैसे थे, यू नो एंटेना जैसे थे, ऐसे टच स्क्रीन नहीं हुआ करते थे, वी हैड टू डायल अवर नंबर. ओके, वो टाइम पे हम फेसबुक एंड ऑल वो ये सब नहीं यूज कर सकते थे, राइट? बट लुक एट टूडेज टाइम, आज के टाइम में क्या हो रहा है, बेसिकली स्मार्टफोन्स आ गए हैं. तो नाउ अगर हम बोलते हैं कि मैम हाउ कम ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल, यू सी दिस ऑल, ये सब हम बोल सकती हूँ मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कमाल है. ओके, सी स्टूडेंट्स, मतलब हर कंपनी में भी एक उनकी R&D टीम होती है. ओके, दे ऑलवेज वर्क ऑन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स. मीन्स वॉट? आप देखो, आप मोबाइल फोन्स में भी देखो, करेंटली अगर मैं बात करूं, कैसे पहले 2G था, फिर 3G आया, 4G आया, 5G आया, राइट? मतलब सी कस्टमर को, सी स्टूडेंट्स एंड बेसिकली दिस आई हैव टोल्ड यू पहले, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जो होती है उसको फुलफिल करना है, राइट? तो उसमें बेसिकली यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी ओवर ईयर्स. क्यों ना आप रिसर्च भी कुछ अच्छे के लिए कर रहे हो. लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. करंटली वी आर फेसिंग अ ह्यूज पेंडेमिक कोरोना वायरस. ओके, आप सबको पता ही है फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है स्टूडेंट्स, जो दवाइयाँ बेचते हैं, आप लोगों को ये पता ही होगा करंटली रेस चल रही है. किसके लिए, यू विल आस्क मी, मैम रेस चल रही है, आप सबको पता है कि यू नो कौन वैक्सीन ढूंढेगा, विच विल बी द फर्स्ट कंट्री टू फाइंड, कौन सी कंट्री होगी, कौन सी कंपनी होगी. ओके, नाउ हाँ, अभी तुम लोग मुझे पूछोगे कि मैम इतना क्यों चल रहा है, बिकॉज जो भी कंट्री ने ये पहले ढूंढा, यू नो क्या फायदा उन्हें बेसिकली होगा, करोड़ों रुपये मिलने वाले हैं, राइट? बिकॉज करंटली वी ऑल आर फेसिंग दिस इश्यू, राइट? तो सेम में देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम अच्छी हो, इसके कितने फायदे है कंपनी को, राइट? और एक मैं आपको एग्जाम्पल दू, मैंने आपको लास्ट टाइम ये मार्क जकरबर्ग, जेफ बीजोस, इनका एग्जाम्पल दिया ही था मैंने, राइट? तो आप लोग देखो, तो आई मीन दीज पीपल इतने करोड़ों अब्जोपति है, फिर भी ये लोग जो है यू नो स्टिल दे आर वर्किंग कि प्रोडक्ट में मैं नया इनोवेशन कैसे लेके आऊं. ठीक है, तो वही मैं आप लोगों को बात करना चाहती थी बेसिकली ओवर ईयर, इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है. ओके, इसमें बेसिकली व्हाट हैपेंस इज वी हैव टू फाइंड न्यू वेज, हमें कुछ नए डेवलपमेंट्स लेके आने हैं इन अवर प्रोडक्ट. ओके, यू कैन नॉट से कि सालों साल यू नो मेरा बिजनेस एक जैसा ही रहेगा. नो, वी हैव टू यू नो कीप ऑन चेंजिंग, चेंज मैनेजमेंट करके भी एक सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स. ओके, तो वही मैं आपको बोल रही थी. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम समझ में आया है. किसी को इसमें कुछ डाउट है? एनी वन इज हैविंग एनी डाउट सो फार, प्लीज आस्क मी. वी आर डन विथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. आई कैन सी यू नो मेनी स्टूडेंट्स कभी अपने हैंड्स भी रेस करते हैं या, सो इफ एनी वन हैज एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. ओके फाइन,
मैंने पर्पजली आप सबको म्यूट करके रखा है, बिकॉज यू नो आई डोंट वांट दैट डिस्टरबेंस इन क्लास. ओके, काफी लोगों के बैकग्राउंड नॉइजेस भी काफी ऊंचे होते हैं, सो आई डोंट वांट बिकॉज ऑफ अ फ्यू स्टूडेंट सब लोग डिस्टर्ब हो. ठीक है, ओके फाइन. द नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. सी स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एडमिनिस्ट्रेटिव का मीनिंग क्या हो जाता है, यू नो? सी एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स व्हाट? डे टू डे एक्टिविटीज देखनी एम्प्लॉयज की. ओके, सो अगर मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, मतलब यू नो एवरी डे आपको, यू वोंट बिलीव, ये मैंने आपको शायद एचआर में कहा था, पहले के टाइम में क्या हो जाता था इज यू नो या ये सब जो स्टूडेंट्स होते थे, ओके, सॉरी एम्प्लॉयज होते थे रादर, सो वॉट यूज टू हैपन बेसिकली इज यू नो उनके लिए टाइम नोट किया जाता था वो लोग का, कि कौन काम पे कब आ रहा है, क्या कर रहे हैं, कितने बजे कितने दिन एब्सेंट है. मतलब लिटरली एक पर्सन होता था जो टाइम कीपर, मतलब क्या ही और शी यूज टू राइट कि कब एम्प्लॉय आ रहा है, कितने टाइम उसने ब्रेक लिया है, समथिंग लाइक दैट. नाउ यू पीपल विल आस्क मी कि मैम इसका क्या मतलब है ये सब का. सी वो टाइम पे यू नो अभी तो एम्प्लॉय का आईडी कार्ड एंड ऑल थंब इम्प्रेशन जो होता है उससे हम उसका अटेंडेंस आराम से ले सकते थे, राइट? तो वो टाइम पे ऐसा नहीं था. तो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब वही, यू नो इन सिंपल वर्ड्स, मतलब डे टू डे एम्प्लॉयज की एक्टिविटी के बारे में देखना. ओके, दैट ऑल कम्स अंडर दिस फंक्शन. ठीक है, सो ये फंक्शन उतना आई वुड से आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड. यू नो अगर मैं आपको मेरे गोदरेज का एग्जाम्पल दू, वेर आई हैड वर्क, वॉट हैपन्ड इज यू नो वहाँ पे भी, आई मीन सी वो तो बहुत बड़ी कंपनी थी. ओके, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज वर्क थे. तो मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाहती थी कि यू नो हर एक कंपनी का अलग होता है. तो वहाँ पे अगर आपको छुट्टी लेनी है, फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी है, कोई बीमार है, एनी रीजन लाइक दैट, ओके, सो आप यू नो नॉर्मली क्या होता है, वी राइट अ लेटर टू अवर बॉस. ओके, कि प्लीज आप यू नो हमें छुट्टी दे दो, हमें छुट्टी चाहिए ये वो. ठीक है, बट सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली यू नो गोदरेज में वी यूज टू हैव अवर ओन सिस्टम. ओके, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने आप लोगों को आईसीटी नहीं कराया, तो आज मैं आपको कराऊंगी. ओके, मतलब वो सिस्टम में अपने आप देखो, आप लोगों ने कैसे कॉलेज के लिए एक फॉर्म फिल किया था, उसमें आपको याद होगा दे हैड आस्क्ड यू एवरीथिंग, यू नो कि कितने आपके मार्क्स है, आपको प्रिफर्ड कॉलेजेस कौन सी चाहिए, समथिंग लाइक दैट. तो इसमें भी ऑटोमेटिक हमें ही फिल करना होता है सब, कि तुम्हारा उसमें यू नो एम्प्लॉय को जैसे आपका स्टूडेंट आईडी होता है ना, वैसे ही हर एक एम्प्लॉय का भी एक नंबर होता है. तो आप उसमें वो नंबर डालते हो, तो आपका सब नाम एंड ऑल ऑटोमेटिक आ जाता है. फिर उसमें पूछता है कि आप लोग को कितने दिन के लिए लीव चाहिए, यू हैव टू सिलेक्ट द डेट्स. फिर वो सिलेक्ट करने के बाद रीजन ऑफ गोइंग ऑन लीव, क्यों आपको चाहिए. व्हाट आई मीन टू से इज यू नो पहले हम ये सब जो करते थे ना टिपिकली, कि बॉस को लेटर लिखो, फिर वेट करो वो हाँ बोल रहा है कि नहीं, वैसा नहीं होता. आप जैसे ही ये फिल करके डन कर देते हो ना, तो आई मीन ये जो है आपको बॉस के पास चला जाएगा ईमेल, देन इट इज अप टू हिम वेदर उसको लीव अप्रूव करनी है कि नहीं करनी है, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल यही मीनिंग हो गया, डे टू डे एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है और क्या नहीं. ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है? सो फार हमारे दो फंक्शंस हो गए हैं स्टूडेंट्स, आरएनडी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. या अभी हमारे दो ही रह गए आई थिंक, आईसीटी एंड वन मोर, लेट मी सी विच वन इज लेफ्ट आउट, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? यस, ओके फाइन. नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर, मैं आपको आई वॉन्ट टू गिव यू एन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके डिविजन के लिए. ठीक है, दिस इज ए डिविजन, राइट? सो सी आज मेरा बी में लेक्चर हुआ, वहाँ पे भी मैंने वो लोग को ये चीज बताई है. सी मैं अभी आपको आई विल ट्राई ऑलमोस्ट एवरी वीक, ओके, मैं आपको एक क्विज भेजने वाली हूँ ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, सो डोंट गेट कन्फ्यूज. क्विज मतलब मैंने गूगल फॉर्म आपके लिए बनाया है. ठीक है,
अभी सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू? आई थिंक अभी हमारा लेक्चर, दिस इज ए डिवीजन, हमारा ट्यूसडे को होने वाला है, ठीक है? सो व्हाट आई वुड से इज, आपके जो भी आज तक के लेक्चर्स मिस हो गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आप लोग वो यूट्यूब पे देख लो, ठीक है? मैं पहले क्या बोल रही हूँ वो पहले सुन लो, फिर आप लोग पूछो आपको जो भी डाउट्स हैं। हाँ, मतलब ये क्विज इज जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज कि आपको मेरा सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। लिसन, ये क्वेश्चंस आई एम क्लियरली टेलिंग यू, टेक्स्ट बुक में से मैंने नहीं पूछा है आप लोगों को, ओके? व्हाट आई बेसिकली आस्क्ड इज, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, सो सी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है। एमसीक्यू, आई होप यू ऑल नो द मीनिंग स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है एमसीक्यू का मीनिंग, यू नो? ओके, एमसीक्यू सिंपली मीन मल्टीपल चॉइस, मतलब एक क्वेश्चन होगा। आई एम रिपीटिंग, पहले आप पूरी बात सुन लो, मतलब देर विल बी मेनी क्वेश्चंस बेसिकली, ठीक है? तो चार ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, यू विल हैव टू सिलेक्ट द राइट आंसर, ओके? सी, 10 मार्क्स का मैं एक आपके लिए क्विज बना रही हूँ, उसका जो लिंक है, ओके, दैट आई विल पोस्ट इट, यस, ऑन योर ग्रुप। मेरे सब्जेक्ट की बात हो रही है, ओके स्टूडेंट्स? हाँ, ओके। सो या, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो आप लोगों को बोल रही हूँ। तो मेरे सब्जेक्ट का मैं एक 10 मार्क्स का क्विज, यू नो, मैं ये क्यों कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तो मैंने आज तक मैं जितना पढ़ाऊंगी ना, उसको रिलेटेड ही ये क्विज है, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, अब आपको डेफिनेटली एमसीक्यू है, मतलब एक आंसर ही राइट है, बाकी सब गलत है। तो यू विल हैव टू सिलेक्ट द राइट आंसर। सो मैं आपको वही बोल रही थी, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्विज प्लीज मेक श्योर कि आप लोग, मैं आपको आराम से 1 वीक का टाइम दे रही हूँ, ठीक है? अभी टुडे इज थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे तक आपको मैं टाइम दे रही हूँ, ठीक है? आपको ये क्विज अटेम्प्ट करना है। तो वही मैं आपको बोल रही थी, फर्स्ट जस्ट गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस, मेरे सब लेक्चर्स। आपका कोई मिस आउट हो गया है, यू नो, आफ्टर दैट ओनली अटेम्प्ट द क्विज, ठीक है? एंड आई वांट एवरीवन, 10 मार्क्स का क्विज है, ओके? सो आई वांट एवरीवन टू स्कोर मोर देन 5, ओके? किसी को, आई मीन, यू नो, मैं वही बोल रही थी, आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू पीपल, प्लीज एटलीस्ट दिस ए डिविजन आप लोग ट्राई टू स्कोर अबाउ 5, ओके? तो आप लोग आराम से ये संडे को जब भी आप फ्री हो, आप क्विज अटेम्प्ट कर लेना। एंड ऐसे, यू नो, ब्लाइंडली मत अटेम्प्ट करना क्विज कि मैम ए बी ए बी ए बी ए बी, नो, ऐसे आंसर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, देन ओनली आंसर, ओके? आई होप आपको समझ में आया। अभी आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। एंड प्लीज राइट योर स्टूडेंट आईडी वेरी क्लियरली ताकि मुझे पता चले, यू नो, कि किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है। सी स्टूडेंट्स, मैं वही बोल रही थी, जो लोग को, यू नो, नई क्विज अटेम्प्ट करेंगे, हेंस फोर्थ आई वॉन्ट टेल देम टू सिट फॉर माई लेक्चर्स, ओके? बिकॉज मुझे आपका अटेंडेंस जो है मैं ऑलरेडी मार्क कर रही हूँ, ठीक है? एंड इसका स्कोर है, मैं सबका रिकॉर्ड रख रही हूँ स्टूडेंट्स, डोंट फील कि, यू नो, मैं कुछ देख नहीं रही हूँ, ओके? या, आई विल, डोंट वरी, आफ्टर द लेक्चर आई विल सेंड इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ओके? ये क्विज का जो लिंक है, डेफिनेटली मैंने अब तक इसलिए शेयर नहीं किया था बिकॉज आई नो व्हाट हैपेंड इज, जैसे ही मैं क्विज भेज दूंगी, देर विल बी अ फ्यू स्टूडेंट्स जो लोग क्या बोलेंगे कि हाँ चलो फटाफट मुझे निपटा देना है मैम अभी के अभी, फिर क्या कर देंगे वो लोग, रॉन्ग आंसर्स मार्क कर देंगे, उससे क्या होगा? आई मीन, मेरा क्विज अल्टीमेट पर्पज सॉल्व हो नहीं रहा है, राइट? तो वही मैं आप लोग को बोल रही थी, बेसिकली मेरे वही एक्सपेक्टेशंस है आपसे, यू नो, कि राइट योर स्टूडेंट आईडी क्लियरली, तुम्हारा फुल नेम भी मैंने उसमें पूछा है, ठीक है? या, तो वो आप करेक्टली लिखो एंड ट्राई टू स्कोर अबाउ 5, ओके? अभी किसी को कुछ डाउट है? एंड सी स्टूडेंट्स, डोंट वरी, अगर आपको कुछ डाउट है भी ना, मैं वो लिंक आज पोस्ट करने वाली हूँ ग्रुप पे, ठीक है?
कुछ डाउट है? मैंने आपको थर्सडे तक का टाइम दिया है, तो अभी हमारा लेक्चर ट्यूसडे को होगा, तो ट्यूसडे तक एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो वेरी गुड, कर दो। कुछ भी जो डाउट है आई विल सॉल्व इट ऑन ट्यूसडे, फाइन? आई होप आप लोगों को समझ में आया है व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। अभी हमारे दो फंक्शंस है, हम लोग वो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है, यस, इसके बाद वी विल आई विल शो यू अ वीडियो। ओके, सो सी द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज लेफ्ट आउट इज आईटी। दिस इज वेरी इजी स्टूडेंट्स। आप लोग आईटी करके एक सब्जेक्ट है, आई डोंट नो यू माइट बी हैविंग, चलो ये तो बता सकते हो आप आईटी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी? कम ऑन टेल मी। आप सब लोग इनफॉर्म, इनफैक्ट हम लोग उसी चीज की वजह से जुड़े हुए हैं अभी भी। थैंक्स भाग्यश्री इज द फर्स्ट वन टू आंसर। इतेशाम, साक्षी, वेरी वेरी गुड, यस। अच्छा, रोहन इज आस्किंग मी, वन मिनट, सी क्वेश्चन पेपर पे लिखना नहीं है आपको, यू हैव टू जस्ट ओपन द लिंक, एमसीक्यूज होंगे, यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन जो राइट है। दिस इज नॉट अ रिटन वाला टेस्ट, ओके? इसमें एमसीक्यू मतलब फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस ही है, उसमें भी आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, ओके सी? इसलिए मैं रख रही हूँ ये टेस्ट स्टूडेंट्स, ताकि यू नो आपको इजी पड़े बेसिकली, ओके? बिकॉज आई टेल यू, अभी आपके जो फ्रेंड्स एंड ऑल है, जो लोग टीवाई में है एंड ऑल है, ठीक है, इनके साथ बेसिकली यही हो रहा है, लाइक यू नो उनका पूरा एग्जाम एमसीक्यू थ्रू ही हुआ था। यू नेवर नो आपके साथ, अभी तो आप आई मीन FY में ही हो, बट आपका इंटरनल्स एंड ऑल जो होता है, यू नेवर नो, इट माइट हैपन दिस वे, राइट? इसलिए आई एम डूइंग ऑल दिस, फाइन? सो वेरी गुड। आई मीन IT का मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म पूछा था, या भाग्यश्री, इतेशाम, साक्षी, अनूर, रितेश, प्रियंका, सूरज, रोहन, निकिता, वेरी गुड। इनफैक्ट निकिता ने तो मुझे पूरा सी का भी फुल फॉर्म बता दिया, वेरी गुड। अदिति, राइट आंसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सी स्टूडेंट्स, ICT का मीनिंग यही हो जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी इसका सिंपली क्या मीनिंग है, इज यू नो सी, मैं गोदरेज का ही एग्जाम्पल दे देती हूँ, सिंस आई वॉज वर्किंग देयर। सो क्या हो जाता था, इस आपको पता ही है स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यू नो नॉर्मली अब कंपनीज की अगर हम बात करें, राइट, तो उसमें इतने सारे लोग काम करते हैं, यू नो पहले सब पेपर वर्क हुआ करता था, ओके? आप लोग को सब पता ही है पेपर वर्क में व्हाट नॉर्मली हैपन्स इज, पेपर खो गया, उड़ गया, कई बार हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी चले जाती है। IT मतलब मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, काफ़ी उसके एडवांटेज है। आई रिमेम्बर, यू नो गोदरेज में भी मेरी इनफैक्ट जो इंटर्नशिप मैंने की थी, ओके, दैट वॉज विथ एन IT फर्म। सो गोदरेज इन्फोटेक करके कंपनी है, एक INFOTECH, आपको उसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वही बोल रही थी स्टार्टिंग में, मैंने मेरा काम वहाँ पे किया था। सो बेसिकली यू नो मैंने वहाँ पे क्या सीखा था, इज यू नो सी पूरे आपको पता ही है आफ्टर ऑल जो सिस्टम्स है, यू ऑल ऑलरेडी नो दैट, तो उसमें बिगड़ने के भी चांसेस है। कई बार आप देखो हमारा इंटरनेट नहीं चलता है, यू नो कंप्यूटर्स डाउन हो जाते हैं, नहीं चल रहे, तो आइडियली वो टाइम पे यू नो वी यूज टू कॉल पीपल इन द IT डिपार्टमेंट कि आप लोग प्लीज़ ये हमारा जो प्रॉब्लम है फिक्स करके दो। सी स्टूडेंट्स, कंपनीज में भी अगर आप देखो कम्युनिकेशन, लाइक यू नो ईमेल सिस्टम ही होता है वहाँ पे, राइट? एवरीथिंग हैज़ टू बी इन ईमेल सिस्टम, तो मतलब ये सब पूरा हाउ वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ओके, वो सब ये पूरा टीम संभालती है। कम्युनिकेशन, यू ऑल नो द मीनिंग, मतलब क्या, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एंड उनके बीच में मैसेज होते हैं, राइट? एक मैसेज, तो अगर फॉर एग्जाम्पल करंटली सी आप लोग देखो, यू नो ओके नो नथिंग, एक्चुअली आई वॉज जस्ट सी कोई एक स्टूडेंट है वो डाउट्स पूछ रहा है, ओके एनी वे फाइन, या तो मैं आपको बेसिकली यही बोलना चाहती थी ओवर हियर इज यू नो या तो
मैं अभी आपको, मैं सेंडर हूँ, मैं आपको कुछ मैसेज दे रही हूँ एंड आप लोग वो रिसीव कर रहे हो। मतलब अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है, उसका क्या मीनिंग है बेसिकली कि आपको मेरा मैसेज अच्छे से पहुंच गया है। तो देखो, बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, करंटली मैं आपको जूम से लेक्चर्स ले रही हूँ, राइट? तो मेरा कम्युनिकेशन आप तक जा रहा है। सेम वे आप कंपनीज में भी देखो स्टूडेंट्स, ईमेल से अभी सब लोग बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस घर से ही काम कर रहे हैं, राइट? तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, हाउ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, राइट? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। आईसी मतलब पूरे कंपनी का सिस्टम संभालना, अगर कुछ यू नो सिस्टम्स कई बार नहीं चल रहे हैं, डाउन हो जाते हैं, तो उन्हें मैनेज करना, वो सब आईटी का काम है, राइट? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? है तो प्लीज पूछ लो, ओके? बिकॉज दिस इज द लास्ट, या आई वुड से लास्ट फंक्शनल एरियाज, नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू आंसर, ओके? अभी हमारा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन रह गया है, ओके? ग्रेट, थैंक यू सो मच, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सी देयर इज अ कांसेप्ट, यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है, आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट फंक्शन कर रहे, ओके? दिस इज नोन एज लॉजिस्टिक्स। सी स्टूडेंट्स, लुक इन द चैट बॉक्स, मैंने कुछ टाइप किया है, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जस्ट रिसेंटली यू नो मैंने अमेजोन से एक मोबाइल फोन खरीदा था, ओके? तो जैसे ही मैंने खरीदा था, वो लोग ने मुझे ट्रैकिंग डिटेल्स भेज दिए थे। यू नो ट्रैकिंग डिटेल्स मीन्स व्हाट? मेरा फोन जो था बेसिकली वो दिल्ली से आ रहा था, ओके? सो उन्होंने मुझे मैसेज, आई मीन वो अपने आप आ जाता है ट्रैकिंग में, यू नो योर फोन हैज नाउ लेफ्ट दिल्ली, ओके? इट विल रीच यू विद इन 3-4 डेज, ऐसा कुछ। मतलब सी स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन का काम मीन्स व्हाट? हमने यू नो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे, उसके बीच में जो सब ये स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओके? सब एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली कम्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके? तो वही मैं आप लोग को बोलना चाहती थी, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब है। सी स्टूडेंट्स, कई बार फॉर एग्जाम्पल हम लोग अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं, हमें वो लेट मिला है प्रोडक्ट, ओके? तो ऐसे केस में आइडियली यू नो होम यू शुड ब्लेम लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, बिकॉज इट इज देयर ड्यूटी टू मेक श्योर कि प्रोडक्ट रीचेज ऑन टाइम टू योर कस्टमर, ओके? फाइन, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यू नो आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, कई बार इफ यू सी इसमें सब ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, यू नो मतलब इंटरनेशनल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ, हम अगर कोई प्रोडक्ट है बाहर से मंगा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल यूएस से मंगा रहे हैं, ओके? तो उसमें अगर आप देखो, नॉर्मली शिप से आता है, कार्गोज जो बड़े मशीन्स होते हैं, राइट? तो आई मीन कौन से ट्रांसपोर्टेशन के लिए रूट्स यूज किए जाते हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है? इसके अलावा भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, बेसिकली मेनी थिंग्स यहाँ पे काफी चीजों की बात हो रही है, राइट? इंडिया में रेलवे यूज होते हैं, आप देखो इंटरनेशनल की भी अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो यू नो फ्लाइट्स भी यूज किए जाते हैं, ओके? वही मैं आप लोगों को बेसिकली समझाना चाहती हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स यूज करते हैं, ओके? तो बीच में यू नो आपने शायद पढ़ा भी होगा स्टूडेंट्स, कई बार क्या हो सकता है, यू नो बीच में कुछ टूट जाता है प्रोडक्ट, यू नो ड्यूरिंग डिलीवरी एंड ऑल, तो वो सब यही डिपार्टमेंट का फंक्शन होता है देखने का कि यू नो कस्टमर जो है उसको मेरे सब जो प्रोडक्ट्स है राइट कंडीशन में पहुंच रहे हैं कि नहीं, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एवरीथिंग, इसमें यू नो वो कंसेप्ट भी आ जाता है स्टूडेंट्स, दे हैव टू मेक श्योर। वरना मैंने आपको बोला है टूटे हुए कंडीशन में आ जाता है, तो डेफिनेटली कस्टमर जो है ही विल फाइल फॉर अ रिटर्न और रिफंड, ओके? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है मैं आपको जो बोल रही हूँ। किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी। ग्रेट, सो
अभी आई एम डूइंग वन थिंग, मैं फटाफट आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है आई एम टाइपिंग इट आउट इन द चैट बॉक्स, ओके। इसके बाद मुझे आपको दो वीडियोस दिखाने हैं। अच्छा टेल मी, या दैट गुड रिमाइंड्स मी, लास्ट लेक्चर ऐसा कुछ था हमारा जो रह गया था, ऐसा कोई वीडियो जो मे बी आई हैव नॉट शोन इट टू यू टाइम की कमी की वजह से, मैंने आपको ऐसा कहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी, ऐसा कुछ है या तो वी ऑल आर इन ट्रैक? जस्ट कंफर्म, ओके ग्रेट, मतलब आज जो मैंने आपको पढ़ाया वही मुझे समझाना है, वेरी गुड, ओके फाइन। सो फर्स्ट मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन लिख देती हूँ चैट बॉक्स में, एंड सी स्टूडेंट्स आप लोग को काफी डाउट्स है, ओके। सो मैं आपको वही बोलना चाहती थी, बेसिकली क्विज के भी आई नो काफी डाउट्स आने वाले स्टूडेंट्स को, सो आई मीन नहीं समझ में आ रहे तो अवॉइड आस्किंग मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जब भी होगा ऑल क्विज रिलेटेड डाउट्स आई विल सॉल्व, ठीक है, डोंट वरी, ओके। बिकॉज आई बिलीव आपको डाउट्स पूछ रहे तो यू शुड आस्क इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, राइट? तो उस हिसाब से हो सकता है और किसी को भी डाउट हो सकता है तो सबका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स, आपको ये समझ में आया ही है राइट? ये क्वेश्चन चल रहा है 2-3 लेक्चर से, जो फंक्शंस रह गए हैं वही आपको करना होगा, ठीक है, ओके। आज वी हैव डन 4, सो फाइनली दिस आंसर इज ओवर, ओके। सो किसी को और कुछ पूछना है विथ रिगार्ड टू सिलेबस? क्विज एंड ऑल का तो चलता ही रहेगा। अच्छा दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मुझे काफी बार पूछा गया है। असाइनमेंट पेजेस पे लिखना है कि बुक रखनी है? आई वुड से आप कोई भी रख सकते हो, इट्स टोटली फाइन विथ मी, बट व्हाट आई मीन इज जो भी आप करोगे, ओके, जस्ट मेक श्योर आप संभाल के रखो अपने पास, बिकॉज वंस कॉलेज स्टार्ट आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू कि मेरा मैम ये खो गया वो खो गया, ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज वॉट आई डोंट वॉन्ट, ओके। या सो क्विकली आई विल, शेयर माई स्क्रीन नाउ, मैंने वो वीडियो जस्ट दिखाया था इसलिए आई एम लुकिंग इन माई हिस्ट्री। यस फर्स्ट वील सी, ओके, मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देख रहा हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व इट। देखो क्या आप, बहुत अच्छा वीडियो है स्टूडेंट्स, जस्ट ऑब्जर्व इट, ओके। सी आई प्रॉब्लम होता है फर्स्ट, ओके, क्या प्रॉब्लम था कि आइसक्रीम बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा है, ओके। नाउ सी वॉट सोल्यूशन दे आर कमिंग अप विथ, सी स्टूडेंट्स आइडिया होता है ना उससे ही R&D बन जाता है, ठीक है। मतलब सी ये सब साइंटिस्ट है, ओके, दे आर नाउ वर्किंग कि हम कैसा कोई सोल्यूशन ढूंढ ले, ओके।
सी, मतलब आप देखो इसमें स्टूडेंट्स वो सब ट्रायल एंड एरर होता है। ओके, ट्रायल एंड एरर मतलब वो लोग ट्राई करते रहते हैं, फिर कस्टमर को पहले पूछते हैं कि आपको ये नया आइसक्रीम उसने बनाया वो पसंद आया कि नहीं। ठीक है, कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हमने चलो ये किया भी था ओके, बट व्हाट इज हैपनिंग इज, यू नो व्हाट हैपेंस इज, गवर्नमेंट ने ना बोला कि ये हेल्दी वर्जन नहीं है। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इन सच अ सिचुएशन इज, यू नो क्या करोगे आप लोग, ओके अगेन अ न्यू रिसर्च, कुछ नया ढूंढो। ओके, वही उनका काम होता है स्टूडेंट्स, ये साइंटिस्ट एंड ऑल। सो वेरी गुड, और एक चलो दिखा देती हूँ वीडियो। क्यों R&D जरूरी है? ओके, R&D का पूरा एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है हम लोग ये वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या उसके एडवांटेज है, हम पहले हम डिसीजन लेते हैं, राइट? ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, रिस्क, टाइमिंग, कॉस्ट। ओके, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट फॉर यू। ओके, फिनेंस पैसा लगता है स्टूडेंट्स, राइट? रिक्रूटमेंट, बट अब अगर यू नो पेटेंट्स का मीनिंग वही था स्टूडेंट्स, आई विल जस्ट स्टॉप 1 मिनट। पेटेंट्स मतलब वही मैंने आपको बोला, जो कंपनी रिसर्च करती है वो अपने नाम का पेटेंट करा लेगा ताकि उससे वो बेनिफिट मिले, राइट? ओके फाइन, अब इसके क्या प्रॉब्लम्स है? ओके फाइन, अभी मैं आपको फटाफट ICT का वीडियो दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स। यू ऑल हैव टोल्ड मी व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सी, पहले आपको इसमें दिखेगा हाउ पेपर वर्क वॉज यूज, आज का टाइम देखो हाउ डिफरेंट इट इज, राइट? अभी सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है, यू नो ईमेल्स, एवरीथिंग हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली। ओके, मतलब यही सब संभालना बेसिकली यही काम होता है। ओके, ICT का पूरा
पूरे सिस्टम्स को मैनेज कैसे करने हैं इनसे सीखना है। ओके फाइन, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को जो कहा वही इसमें बताया। ठीक है, फाइन। अभी टाइम कम है स्टूडेंट्स, ही वो आपको वाईफाई एंड ऑल दिखाया था बेसिकली। ओके, वही इसमें कहा है। हाउ सिस्टम, अभी फटाफट टाइम होने को आया इसलिए आई एम शोइंग यू वन मोर वीडियो लॉजिस्टिक्स का, जस्ट टू सी क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन में। ओके सी, आई एल जस्ट थोड़ा आगे जा रही हूँ बिकॉज मेन वीडियो अभी स्टार्ट हो रहा है। ओके ऑर्डर प्रोसेसिंग, मैंने आपको कहा मैंने जो अमेजोन से फोन किया था ऑर्डर, राइट, फिर उसको स्टोर करना, वेयर हाउस मतलब ऐसी जगह जहाँ पे स्टोर किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग पता है, एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोडक्ट पहुँचना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज सेम एज यू नो, हमें प्रोडक्ट कैसे ध्यान में रखना है, ठीक है, उसका ख्याल कैसे रखना है, रिकॉर्ड रखना, ऑल ऑफ दैट इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स। ओके फाइन, तो ये सब लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शंस थे। किसी को कुछ डाउट है इसमें? नाउ आई विल जस्ट स्टॉप द वीडियो, लेट मी कम बैक टू योर जूम मीटिंग। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है? बिकॉज टाइम हमारा अब हो चुका है, आई विल हैव टू नाउ एंड द मीटिंग। ठीक है सी, मैंने आपके ग्रुप पे भी क्विज पोस्ट किया है, अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज डोंट आस्क मी पर्सनली, नेक्स्ट लेक्चर में उसके लिए रख रही हूँ। ठीक है, हमारा अभी होगा, दिस इज ए डिवीजन, राइट, सो हमारा ट्यूसडे को लेक्चर होगा, सो अगर अटेंड हो रहा है तो करो, वरना नहीं समझ आ रहा है तो मत करो। ठीक है, सो फाइन एवरीवन, आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।